हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस की हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम वीकली कवर कर रहे हैं अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर द डिफेंस एग्जाम CAPF CDS। कोई भी न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो एक्चुअली कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, उसमें ही काम आएगा। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। ऑलरेडी हमारा फर्स्ट लेक्चर एक कम्प्लीट हो चुका है फॉर फर्स्ट वीक। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप एक बार में रिवीजन कर सकते हैं। वैसे भी एक लेक्चर जो है मैक्सिमम 30 मिनट्स का होता है, तो मेरे को लगता है कि हफ्ते भर की न्यूज़ अगर आप 30 मिनट्स में कवर कर सकते हैं तो मोर देन सफिशिएंट। तो जो बच्चा पढ़ लेगा उसके लिए फायदेमंद है, स्पेशली फॉर पेपर वन। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं पेपर टू के लिए भी बताता हूँ, तो उस पर भी आप खासा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, हम अपने पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ब्लास्ट डैमेज रशिया RTL लिंक टू क्रीमिया। तो अभी क्या है कि एक ये देखिए, आप देख रहे हैं पूरी ये ट्रेन की बोगी उड़ा दी गई है। ट्रेन की एक्चुअली बोगी नहीं उड़ाई है, ब्रिज को डिमोलिश कर दिया है। ये किसका ब्रिज था? एक्चुअली रशिया का ब्रिज था, इसको उड़ा दिया गया है। अब रशिया सीधे सीधे इल्जाम तो नहीं लगा रहा है यूक्रेन के ऊपर, लेकिन ये जो काम लग रहा है वो यूक्रेन का ही लग रहा है। जो मेन लिंक था क्रीमिया जाने के लिए, क्रीमिया मतलब यूक्रेन के आसपास की जगह है, वहां जाने के लिए ये मेन ब्रिज था, जिससे रशिया जो है वो सीधे सीधे अपनी फ्यूल की सप्लाई या फूड सप्लाई सीधे सीधे भेज सकता था। तो इस ब्रिज को उड़ा दिया गया है। आपसे कोई नहीं पूछेगा ब्रिज ब्रिज क्या उड़ाया क्या नहीं उड़ाया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रच का स्टेट हुआ है, क्रच स्टेट। तो आपसे वो डायरेक्ट पूछ लेगा क्रच स्टेट किस क्रच के बीच में है, किस किस सी के बीच में है। तो याद रखिएगा ये सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को ज्वाइन करता है, ये यहाँ पर है, ये इन दोनों को ज्वाइन करता है। तो आपको ये सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी याद होना चाहिए। ये मेन देखिए लिंक है रशिया का, ये जो ब्रिज उड़ा है जो क्रीमिया की तरफ जाता है, ये ब्रिज को उड़ा दिया गया है। तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि कर्च स्ट्रेट कहाँ का है। ये एक स्ट्रेट है जो सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से जोड़ता है या रशिया को क्रीमिया से जोड़ता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्ट्रेट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसी एक जिब्राल्टर स्ट्रेट, आप सारे बच्चे आदमी को बताएंगे ये जिब्राल्टर स्ट्रेट किस किस को जोड़ता है। चलिए कमेंट सेक्शन में सब बच्चे बताएंगे, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं यार, UPSC का आप देखेंगे ना तो यही सब चीज़ों पे फोकस देती है। जो न्यूज़ में आ रही है वो वाले स्ट्रेट, बच्चे क्या करते हैं रटे जा रहे हैं। अरे भाई न्यूज़पेपर में आप देख तो लो, न्यूज़ में थी क्या चीज़। जो वहाँ के प्रोफेसर हैं जो पेपर बनाते हैं, वो तो न्यूज़पेपर में देखते हैं ना कि ये न्यूज़पेपर में ये वाला स्ट्रेट आया, चलो ये वाला स्ट्रेट उठा के दे दिया। फिर बच्चे बोलते हैं सर ये तो हमें पता ही नहीं है कहाँ से आया। तो देखिए न्यूज़पेपर में सब कुछ आ रहा है। आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी इजेस पाथ ऑफ द वियरी। तो ये कुछ नहीं है, ये है जम्मू कश्मीर की एक ट्राइब के बारे में। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, ठंड होती है तो ट्राइब जो है वो गर्मी की जगह चली जाती है, या थोड़ा गर्मी हो, तो इसको हम बोलते हैं नोमैडिक ट्राइब। जो मतलब भेड़ बकरी पागलती हैं उनको बोलते हैं नोमैडिक ट्राइब। तो एक ट्राइब का बस इसमें जिक्र हुआ है, दो ट्राइब, एक तो आप याद रखेंगे गुजर्स, एक तो अपने NCR वाले रीजन में भी होते हैं, वो नहीं है, एक गुजर कम्युनिटी है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और एक है बाकरवाल्स। ये नोमैडिक ट्राइब हैं जो पैदल पैदल इधर से उधर जाते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो बस आपको दो ट्राइब का नाम याद रखना है, नोमैडिक ट्राइब है, इन दोनों का बस नाम याद रखिएगा, एक तो गुजर्स एंड बाकरवाल्स। वो सीधे आपसे पूछेगा कहाँ की ट्राइब है, तो जम्मू कश्मीर के ट्राइब है नोमैडिक ट्राइब। ठीक है, और इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं, सोलर। ये इंडिया का फर्स्ट 24/7 BESS बेस्ड सोलर पावर्ड विलेज है। तो आपसे पहले ही पूछेगा इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज कौन सा है, विलेज। तो जो BESS की फुल फॉर्म क्या है ये भी आप याद कर लीजिए, इसका नाम है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये पूरा जो है सोलर से चलेगा पूरा विलेज। ये कहाँ पर है, ये मोधेरा है। मोधेरा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो मोधेरा जो फेमस है वो सन टेम्पल के लिए फेमस है, याद रखिएगा सन टेम्पल के लिए फेमस है। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे बस ये मोधेरा याद कर लेंगे, फर्स्ट जो BESS विलेज है वो कहाँ पर है, मोधेरा में। अरे भाई UPSC आपसे ये नहीं पूछेगी, UPSC अब क्या करेगी, अब UPSC आपसे पूछेगी सन टेम्पल के बारे में। तो आपको इस न्यूज़ से ये याद रखना चाहिए कि आपको मधेरा आपने पढ़ लिया तो अब आप सन टेम्पल जरूर पढ़ें कि सन टेम्पल क्या चीज़ है। तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं, पहला सोलर पावर ब्ले जो 24/7 सोलर से चलेगा उसका नाम है मधेरा। ये 15 MW का है BESS, और ये पहला विलेज है जो सोलर पर चलेगा, बस आप इतना ही याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, अब मैं आपको सन टेम्पल के बारे में थोड़ी रोचक जानकारी दे दूं, क्योंकि एग्जाम में 100% वो लिंक चीज पूछता है आपसे। कभी भी ये SSC का एग्जाम नहीं है कि SSC तो डायरेक्ट यही पूछेगी, बताइए इंडिया में फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज कौन सा है, तो आप सीधे लिख देंगे मोधेरा। लेकिन ये है UPSC, ये कभी आपसे ऐसे डायरेक्ट सवाल तो पूछती ही नहीं है। सन टेम्पल के बारे में जो है जान लेते हैं कि सन टेम्पल, जैसे आपसे नाम को पता चल रहा है, सन मतलब सूर्य भगवान से रिलेटेड है, तो सूर्य भगवान का ये टेम्पल है जो कहाँ पर है, गुजरात इंडिया में, मोधेरा विलेज में। मोधेरा देखिए यहीं पर, किस रिवर पर विलेज बेस्ड है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। जब भी कोई हमारा नेशनल पार्क हो, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कोई इंपॉर्टेंट टेम्पल हो देवी देवताओं का, कि वो किस नदी के तट पर स्थित है,
तो ये रिवर जो है, नाम याद रखिएगा, पुष्पवटी, इसके तट पे ये हमारा सन टेम्पल है। ये किसके, ये सन टेम्पल है, और ये किसने बनवाया था, भीमावन सोलंकी डायनेस्टी। एक जो मैं सर्कल कर रहा हूँ बस उतना ही याद रखेंगे, और उससे ज़्यादा किस तट पे है पुष्पवती, किसने बनवाया था, सोलंकी डायनेस्टी ने। और इसमें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, कुंड है, रिवर है, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और कहाँ पर है, मुदेरा विलेज गुजरात में। देखिए ऑलरेडी दो सवाल जो यूपीएससी 2017 और 2021 में पूछ चुका है इससे रिलेटेड, देखिए पूछ चुका ऑलरेडी, फेमस सन टेम्पल बताइए। सन टेम्पल से आप क्या समझते हैं, सन टेम्पल मतलब सूर्य भगवान के टेम्पल। सूर्य भगवान मतलब अगर आप देखा जाए, जो हिंदू लोग हैं उनको तो पता है जैसे सूर्य भगवान है, तो मेनली वो किससे रिलेटेड करेंगे, सूर्य मतलब इंद्र, इंद्र मतलब किसके भक्त हैं इंद्र ज़्यादा, तो हम देखते हैं कि विष्णु भगवान को ज़्यादा मानते हैं। ऐसा मतलब आपने देखा होगा, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब अगर ये सवाल मेरे को हल करना था तो मेरा लॉजिक क्या होता, क्योंकि मैंने केवल एक ही नाम सुन रखा था इन टेम्पल, दो नाम सुन रखे थे, तीसरा नाम नहीं सुना था। तो जैसे मेरे को ध्यान आया कि सूर्य से है, मतलब इंद्र भगवान आते हैं, फिर विष्णु भगवान आते हैं, इसमें शिव भगवान का मुझे इतना रोल नहीं लगा कि सूर्य जी जो है वो सीधे शिव को लिंक करते हैं। जैसे अगर चंद्रमा की बात आती, चंद्रमा तो वो सीधे शिव भगवान को लिंक करते हैं, लेकिन सूर्य भगवान सीधे शिव भगवान को लिंक नहीं करते। तो इसमें पूछा था आप बताइए फेमस सन टेम्पल कौन सा है। अब मैंने ये अरसावली का नाम नहीं सुना था, अमरकंटक मैंने सुना था, और ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर तो कोई भी बता देगा, ओम आ गया मतलब ये शिवा टेम्पल है, शिवा टेम्पल है। अब ये सन टेम्पल की बात कर रहा है, सन टेम्पल शिवा टेम्पल लिंक नहीं हो रहा है, तो मैंने यही लॉजिक लगाया था कि तीसरा तो इसका नहीं होगा आंसर। तो जैसे मैंने तीसरा एलिमिनेट करा, मैं अपने आंसर पे पहुंच गया कि वन इसका सीधा सीधा आंसर होगा। तो एग्जाम में आप क्वेश्चन प्लीज पढ़ा करिए, थोड़ा नॉर्मल लॉजिक लगा के वहाँ काम करेंगे तो आपका एग्जाम सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत बच्चे तो बस यही सोच लेते कि हमने सन टेम्पल के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है तो सीधे आंसर करो ही नहीं, ऐसा प्लीज मत करिएगा। अपना वहाँ दिमाग खोल के एकदम कॉमन सेंस से एग्जाम दीजिएगा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ऐसे दूसरा क्वेश्चन आप देखिए पढ़िए, 2021 में पूछा गया है, नॉर्मल टाइम क्वेश्चन था, 64 योगिनी टेम्पल, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, व्हाट इज 64 योगिनी टेम्पल, जिसने अपनी आर्ट एंड कल्चर की अच्छे से, जो फाइन आर्ट्स की बुक है वो अच्छे से पढ़ी है, उसमें क्लियरली लिख रहा है 64 योगिनी टेम्पल ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा शिवा से रिलेटेड है। और वैसे भी अगर जिसने नहीं भी पढ़ी, मान के चलिए आपने नहीं पढ़ी है, 64 योग, योग की बात आती है तो योग किससे आता है, विष्णु भगवान से लिंक तो आता नहीं है योग, योग हमेशा शिव भगवान से लिंक आता है, तो किसी को भी पता होना चाहिए कि 64 योगिनी टेम्पल जो है शिव भगवान से लिंक करता है। फिर अब उससे पूछ रहा है कि ये चार स्टेटमेंट में से बताइए कौन सा सही है, इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन, इसके कार्यकाल में बना है। भैया हमें नहीं पता सर्कुलर टेम्पल है कि चौकोर टेम्पल है, हमें पता ही नहीं है, तो पहले में हमको डाउट हो गया। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल विल इंडिया, बताइए, कह रहा है कि इंडिया में केवल ये इकलौता सर्कुलर टेम्पल, ऐसा कैसे हो सकता है। आप अपने अभी पड़ोस में निकलिए, 2-4 किलोमीटर घूमिए, आपको 2-3 टेम्पल मिल जाएंगे जो सर्कुलर हैं, तो ओनली सर्कुलर टेम्पल तो हो ही नहीं सकता। तो टू तो मेरे को क्लियर पता चल गया था कि ये आंसर नहीं होगा, जैसे ही मैंने देखा कि टू आंसर नहीं होगा, ये देखिए एलिमिनेट देखिए, ये देखिए आप अपने आंसर पर पहुंच गए 1 एंड 4। आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको जरूरी है ही नहीं कि चारों पॉइंट आते हो, आपको केवल एक पॉइंट भी आता है समझ में तो आप अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। सिंपल लॉजिक अगर कॉमन सेंस लेके जाएंगे एग्जाम में तो आपका भला होगा, नहीं तो यूपीएससी कभी भी रटे रटाए सवाल नहीं पूछती है, अपना कॉमन सेंस लेके जाएं। ठीक है, ये दो सवाल थे जो मैंने इंक्लूड कर लिए थे, आगे भी अगर सवाल आए इंक्लूड मेरे को करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इससे क्या होगा थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, पर आप लोग मेरे को बताइए कि सर आप पुराने सवाल भी ऐसे लिंक करके पढ़ाइए तो मैं वैसे पढ़ाऊंगा। देखिए आप कमेंट करते नहीं है तो मेरे को पता चलेगा नहीं, तो जो भी आपके लगता है कि सर नहीं ऐसा आप पुराने क्वेश्चन भी ले लिया करिए, लिंक कर दिया करिए, या कोई आपको अगर लगता है कि पेपर टू का कोई अच्छा टॉपिक हो वो भी पढ़ाना चाहिए, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में सब बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से पढ़ाने लगूंगा। अभी क्योंकि हमारी सेकंड थर्ड क्लास है तो इसलिए आपका और मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, चाइना डिफेंड पॉलिसी ऑन जिंग जियांग असर्ट इट्स अबाउट राइट। तो जिंग जियांग क्या है, तो बस आपको याद रखना है जिंग जियांग जो है वो एक रीजन है, बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रखिएगा, एक रीजन है चाइना के अंदर, चाइना के अंदर एक रीजन है। क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ एक कम्युनिटी रहती है जिसको हम बोलते हैं यूगर कम्युनिटी, यूगर कम्युनिटी। अब ये यूगर कम्युनिटी क्या है, ये यूगर कम्युनिटी जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो चाइना में रहती है, एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो चाइना में रहती है। अगर स्पेशली हम देखा जाए तो टर्किश मुस्लिम है, टर्की से आए हुए मुस्लिम है, टर्किश मुस्लिम कम्युनिटी है, इनके साथ चाइना बहुत अत्याचार करता रहता है, इसलिए ये न्यूज़ में आती है। तो बस आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है, एक तो जिंगजियांग प्रोविंस कहाँ पर है, तो चाइना में, इसलिए फेमस है, तो यूगर कम्युनिटी के फेमस है। यूगर कम्युनिटी क्या है, एक मुस्लिम कम्युनिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं, बासवान जी की एक 111 फुट की प्रतिमा बनाई जा रही है, कहाँ बनाई जा रही है, ये मैसूर कर्नाटक बेंगलुरु में बनाई जा रही है, तो ये देखिए अभी बन रही है इन द इनिशियल स्टेट। अब हु इज बासवान, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, अब ये अपने से नहीं पूछा जाता यार,
आपको अब बासवान के बारे में, इनके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या है। तो ये एक ही फिलोसफर थे, एक कन्नड़ कन्नड़ है देखिए याद रखिएगा, एक सोशल रिफॉर्मर थे, कहाँ से, कर्नाटका से बिलोंग करते थे। ये इनका एक स्पेशल नेम है, इसलिए मैंने आपको बोला इनका जो स्पेशल नेम है वाचनास के बारे में आपसे पूछा जाता है, हु वॉज वाचनास, तो ये इन्हीं का नाम है, इन्हीं का दूसरा नाम जो है, ये फेमस जो इनका नाम है वो वाचनास है। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कि भाई ये जो भी सुपरस्टिशियस रिचुअल इन सबको, भाई देखिए जितने भी अच्छे लोग हुए हैं उन्होंने सबका, आप उनकी फिलॉसफी देखेंगे ना तो उनका एक ही फिलॉसफी थी, राइट टू इक्वलिटी, कि सब लोग बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वही इनकी फिलॉसफी थी। तो इन्होंने जितना डिस्क्रिमिनेशन होता था, सुपरस्टिशियस अंधविश्वास जो रिचुअल है उन सबको मना कर दिया था, बहुत अच्छा था। और इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन भी बनाया था, अनुभव मंटप, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, जिसमें मैन और वोमेन फॉर्म ऑल सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब भली आदमी हो औरत हो सब बराबर है। देखिए कोई भी अच्छा आदमी आया है ना उसने यही बोला है, ये भेदभाव की भावनाएं तो होनी ही नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदमी औरत सब बराबर है, एक ऑल इक्वल, ठीक है। ये किससे बिलोंग करते थे, देखिए ही डेवलप्ड एंड इंस्पायर्ड इन न्यू डिविजनल मूवमेंट नोन एज वीर शिवास। इन्होंने एक नया कल्चर या कल्ट बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं वीर शिवा। तो आपसे ये भी पूछा जाता है वीर शिवा किसने एस्टेब्लिश किया था, किससे रिलेटेड है, तो बासवान से रिलेटेड है, या तो ऑप्शन में होगा बासवान, नहीं तो एक होगा वाचनास। ये दो स्टेटमेंट होते हैं वीर शिवा। वीर शिवा कौन से होते हैं, जो हीरो वर्शिपर्स होते हैं गॉड के, हीरो वर्शिपर्स ऑफ शिवा। दिस मूवमेंट शेयर्ड रूट्स ऑन ऑनगोइंग तमिल भक्ति मूवमेंट पर्टिकुलरली शैव नायनर ट्रेडिशन। बस आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बासवान एक दो तीन वर्ड आपको याद करने, तो बासवान एक, आपको वीर शिवा एक, वाचनास, ये तीन वर्ड आप याद रख लीजिए। इन्होंने मेन काम क्या करा था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन मैन वोमेन में जो था रिचुअल्स थे सेक्रीफाइसेस थे उस सबको खत्म करने का काम करा था, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडियन नेवी टू ज्वाइन मालाबार एक्सरसाइज एंड इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इन जापान नवंबर। तो मालाबार एक्सरसाइज, बस आपको ये याद होना चाहिए, इस बार कौन होस्ट कर रहा है, जो 2022 की जो होस्ट कर रहा है मालाबार एक्सरसाइज वो जापान होस्ट कर रहा है, एक सी तो ये। कौन कौन आता है मालाबार एक्सरसाइज में, अपना प्यारा देश इंडिया, एक ऑस्ट्रेलिया, एक जापान और एक यूएस, यही चारों देश मिलके हमारा क्वाड भी बनाते हैं। क्वाड में भी कौन कौन मेंबर हैं, यही चारों मेंबर हैं, यही मालाबार एक्सरसाइज भी करना है। कौन इस साल ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इस साल जो है हमारा प्यारा जापान ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, बस आपको इतना याद करने की जरूरत है। और उसमें एक दो चीज़ और, जैसे इधर SEO के बारे में भी जिक्र हुआ है और रेट्स के बारे में भी जिक्र हुआ है, तो अभी रेट्स क्या है SEO क्या है आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो बस अब आपको इतना ही याद करना है। युद्ध अभ्यास, ये देखिए युद्ध अभ्यास, ये क्या है, ये US और इंडिया की बायलिटरल एक्सरसाइज है, US और इंडिया की एक्सरसाइज है। बहुत सारी जो एक्सरसाइज है उन सबको रट लीजिए एक्सरसाइज के बारे में, खासकर जो न्यूज़ में आ रही है, जैसे मालाबार हो गई, युद्ध अभ्यास हो गई, ठीक है, तो ये सब आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए। अच्छा एक कमेंट सेक्शन में बताएंगे नोमैडिक एलिफेंट किस किस के बीच की एक्सरसाइज है, ये कि नोमैडिक एलिफेंट करके एक एक्सरसाइज है, ये किस किस के बीच की है, सब बच्चे भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे चलते हैं, हरिकेन जूलिया स्कैम्स नाइगुरिया मेंटल सेंट्रल अमेरिका। अब हरिकेन जूलिया ने तबाह कर दिया है, व्हाट इज हरिकेन, हरिकेन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। साइक्लोन जो है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से याद करे जाते हैं, बस आपको ये याद होना चाहिए किस एरिया में, जैसे साइक्लोन जो है वो इंडिया इस वाले अफ्रीका वाले रीजन में जो साइक्लोन आता है उसको हम साइक्लोन बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका में इसी चीज़ को हम हरिकेन बोलते हैं, इधर एशिया रशिया वाले रीजन में इसी को हम जापान वाले रीजन में इसी को हम टाइफून बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में इसी को हम विली विली बोलते हैं। तो एक ही चीज़ है, केवल अलग अलग एरिया में इसका अलग 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 नाम है। अभी फिलहाल हरिकेन जूलिया आया हुआ है, ठीक है, आगे चलते हैं। फेस्टिवल, ये एक नया फेस्टिवल है जो एक्चुअली बुद्धिज्म से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नाम है थेंडिंगगुट फेस्टिवल। यार मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ वाली सॉरी, लेकिन हम थेंडिंगगुट, थेंडिंगगुट फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, बस आपसे वो ये पूछेगा, थेंडिंगगुट फेस्टिवल बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बस इतना याद कर लीजिए बुद्धिज्म से रिलेटेड है और इससे ज़्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, पाकिस्तान टू टेक पार्ट इन क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ SEO एंटी टेरर एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडिया। एंटी टेरर एक्सरसाइज है जो इंडिया ने होस्ट करी थी, उसमें मतलब पाकिस्तान आ रहा है जो खुद टेररिज्म फैलाता है। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है SEO से रिलेटेड। SEO क्या है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है, SEO में पहली बात आता है कितने कंट्रीज हैं, सबसे ये एक यूरेशियन हम बोल सकते हैं एक होती है। इस साल की जो SEO की जो ये सेरेमनी है जो एक्सरसाइज है वो इंडिया ने करी थी, जिसको हम बोलते हैं जो कराया वो है जेट JETE जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज, ये इस बार इंडिया ने ऑर्गेनाइज करी थी, इसमें बाकी के जितने देश के मुल्क थे वो सब आए थे। तो आपको एक चीज़ तो ये होना चाहिए, और दूसरा इसमें एक टर्म यूज़ होता है SEO रेड्स,
ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, इसी के अंदर का पार्ट है। इसमें क्या है कि जितने भी टेररिज्म से रिलेटेड है वो सारे मुद्दों को खत्म किया जाता है कि एंटी टेररिज्म हम एक्सरसाइज करें ताकि जितना भी टेररिज्म फैला हुआ है उस सबको खत्म कर सकें। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कितने मेंबर आते हैं? पहले इसमें 8 मेंबर आते थे, याद रखिएगा, पहले इसमें 8 मेंबर आते थे, लेकिन रिसेंटली 2022 में 8 मेंबर में हमारा प्यारा देश इंडिया भी है और एक सॉरी थोड़ा तबीयत डीले हो गई है, और एक हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी। ठीक है, ये दोनों देश इसमें एससीओ में आते थे, लेकिन 2022 में एक और देश ऐड हो गया जो ईरान। ईरान पहले एक ऑब्जर्वर स्टेट था, लेकिन 2022 में इसको परमानेंट स्टेटस मिल गया है। तो अब टोटल 9 कंट्रीज जो हैं वो एससीओ के अंदर आते हैं। ये ट्रिक है याद करने की, तो आप याद कर सकते हैं पिक कुर्ता। अब पिक कुर्ता है केवल 8 कंट्रीज के लिए, प्लस इसमें आप ईरान भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ईरान अभी ऐड हुआ है इसलिए वो पूछेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली 2022 में ही ऐड हुआ है, इसलिए आप प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। ईरान अभी लेटेस्ट मेंबर है जो एससीओ का बना है परमानेंट मेंबर। आगे चलते हैं, ये बाकी के जो है वो आप यहाँ पढ़ लीजिए, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। पहले एससीओ 5 होता था, फिर इसमें और मेंबर ऐड होते हुए गए, तो फिर ये एससीओ बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फेडएक्स चेयर बेन बेरेनिंग की शेयर्स नोबल विद यूएस इकोनॉमिक्स। तो अब नोबल प्राइज आपको पता है सब चल रहे थे, तो इन तीन लोगों को मिला है, या एक तो ये फेडएक्स के चेयरमैन है। आप तीनों का नाम रट लीजिए यार, इसमें कुछ समझा नहीं सकता। आगे चलते हैं, पॉज करके रट लो इसे। उसके बाद IMF कट इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8% दिस ईयर। तो IMF ने भी अपनी फोरकास्ट कर दी है। पिछली बार वर्ल्ड बैंक की मैंने आपको बताया था कि उसने अपनी फोरकास्टिंग करी है, इस बार IMF ने कर दी है कि IMF कह रही है कि इस बार का जो हमारा ग्रोथ है वो कम हो गया है, 6.8% ही हो गया है। एक रिपोर्ट निकलती है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये कौन निकालता है, याद रखिएगा, IMF। ठीक है, इसने निकाली थी एक रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा बोला गया। बस आपको इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़िएगा। आगे चलते हैं, नवयान बुद्धिज्म। अब ये नवयान बुद्धिज्म क्या है? नवयान बुद्धिज्म एक बुद्धिज्म का पार्ट बोल सकते हैं। ये शुरू किया था B.R. अम्बेडकर जी ने, ताकि रिफॉर्म ला सकें हम देश के अंदर, जो भी हिंदुज्म का ही पार्ट था, हिंदुज्म से ही मतलब कुछ उसमें चेंजेस करके एक बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? B.R. अम्बेडकर द्वारा बनाया गया। और वैसे बुद्धिज्म के में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हीनयान बुद्धिज्म, एक होता है महायान बुद्धिज्म। इनका डिफरेंस पूछा जाता है, प्लीज़ याद कर लीजिए। हीनयान जो है वो पाली लैंग्वेज को मानते हैं, ये संस्कृत लैंग्वेज को मानते हैं, ये आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं करते, ये करते हैं। ये इनकारनेशन मतलब बार बार इनकारनेशन को क्या बोलेंगे आप लोग, कि मतलब बार बार इंसान पैदा होगा, मरता है, फिर इंसान पैदा होगा, फिर मरता है, तो वो चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। ये ऐसा बिलीव करते हैं कि बुद्धा फिर से आएंगे। इंडिया में मैक्सिमम देखा गया है कि मैक्सिमम जो 80s, इसी को हम बोलते हैं, जो हमारा नया एन बुद्धिज्म है, इसके जो फॉलोअर्स हैं उनको हम बोलते हैं नियो बुद्धिस्ट। नियो बुद्धिस्ट जो इसके फॉलोअर हैं, जो इसके मानने वाले हैं, इंडिया में मेनली जो है वो नियो बुद्धिस्ट ही हैं। ये हीनयान महायान से ज़्यादा नियो बुद्धिस्ट हैं। बस आपको ये याद होना चाहिए और इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड स्किल्स ऑफ गर्ल्स इंक्लूडिंग इन बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो आप बेटी पढ़ाओ एक स्कीम चलती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया है। अब इसमें यह भी बोला गया है कि इन बच्चों को आगे प्रोत्साहित करना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन कहाँ पे? स्टेम में। स्टेम क्या बोलते हैं हम? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अभी तक क्या था कि मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस 10th 12th पढ़ा दिया, हो गया काम। अभी इस स्कीम को मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, वो होना भी चाहिए। और इन लड़कियों को जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको हम ज़्यादा प्रोत्साहित करें ताकि वो इन जगह भी आगे निकल सकें, साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग के, मैथ्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें। तो ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक स्कीम भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अब ये देखिए मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आप लंबा लेक्चर हो, भले आप डिटेल में ही पढ़ाइए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक घंटे की भी क्लास ले लूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रचूड़ नॉमिनेटेड, मैंने पिछली बार भी बताया था, हमारे जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो DY चंद्रचूड़ हैं। बस इनका नाम आप याद रख लेंगे। प्रेजेंट कौन है? हमारे ललित जी। ठीक है, आगे चलते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल, इनका नाम याद रखना है, एंटोनियो गुटरेस। बहुत सारे एग्जाम में देखा गया जो UN के जो सिक्योरिटी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल सॉरी, उनका सीधे सीधे नाम पूछा गया, तो उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। अभी एक प्रोग्राम होने वाला है रिलेटेड टू एनवायरमेंट, उसमें आने वाले हैं। जब आ जाएंगे तब उसके बारे में मैं डिटेल जानकारी दूंगा। एक नीति आयोग का एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसके लिए आने वाले हैं। जब आ जाएंगे तो और ज़्यादा जानकारी होगी। कहाँ आने वाले हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो केवड़िया, केवड़िया गुजरात में स्थित है, आपको ये भी याद होना चाहिए।
ठीक है आगे चलते हैं। फार्मर आउटपुट क्वेश्चन डिले इन अनाउंसिंग मी एमएसपी। अब एमएसपी क्या फॉर ऑनगोइंग रबी सीजन। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो प्राइस जिस प्राइस पे हमारी जो सरकार है वो हमारे फार्मर से और उनका अनाज खरीद लेती है। ये जो एमएसपी है हमेशा सोइंग सीजन स्टार्ट होने के पहले ही बता दिया जाता है। तो अभी रबी सीजन चल रहा है और तब भी अभी एमएसपी अनाउंस नहीं हुई है, तो इसलिए फार्मर परेशान। ठीक है, एक चीज़ तो ये, एमएसपी रिकमेंड कौन करता है। दो वर्ड है, एक तो रिकमेंड कौन करता है, एक अनाउंस कौन करता है, दोनों ही पूछा जाता है। तो रिकमेंड जो करता है वो CACP रिकमेंड करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड प्राइस कमोडिटीज, ये रिकमेंड करता है। कितनी क्रॉप्स के लिए करता है, तो 22 क्रॉप्स के लिए करता है। और FRP रिकमेंड करता है, FRP हम बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस शुगर गेन के लिए। तो दो चीज़ याद रखिएगा, 22 क्रॉप के लिए करता है। CACP किसकी अटैच ऑफिस है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब ये 22 क्रॉप में 14 क्रॉप जो है खरीफ की हैं, 6 रबी की है, 2 कमर्शियल क्रॉप है। हस्क कोकोनट के लिए MSP निकलता है, तोरी के लिए भी निकलता है, तो कोरपा मस्टर्ड इन सब के लिए भी निकलता है। तो एक चीज़ तो ये, दूसरा अनाउंस कौन करता है। तो अनाउंस जो करता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये अनाउंस करती है, याद रखिएगा, जो फाइनल स्टेप लेती है। रिकमेंडेशन करता है CACP, अनाउंस करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। प्लीज़, ये दोनों बहुत कंफ्यूजन चीज़ें हैं और दोनों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हु अनाउंस और हु रिकमेंड। ठीक है, जो इसमें दिया जाता है, कैसे जो MSP दी जाती है, जो अभी प्रेजेंट फार्मूला चल रहा है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र हुआ है। स्वामीनाथन कमीशन ने एक इसमें फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए एक MSP फार्मूला लेके आए थे, लेकिन उसको अभी सरकार मानने के लिए रेडी नहीं हो रही है। लेकिन बहुत सारी जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही हैं कि आप जो स्वामीनाथन जी का जो एक फार्मूला था MSP के लिए उसको लागू करें। जो अभी प्रेजेंट फार्मूला जो MSP के लिए जो सरकार मानती है उसको हम बोलते हैं A2+FL। A2 क्या होता है, A2 होता है जो हमारी जितनी भी इनपुट कॉस्ट लगती है। इनपुट कॉस्ट क्या, कि जैसे हमको अगर कुछ पैदावार करना है तो हमारी जो लैंड है, लैंड की जो लीज कॉस्ट है उसको भी काउंट करेंगे, और उसमें जो सीड लग रहा है, उसमें जो फर्टिलाइजर लग रहा है, उसमें जो हम अपना हैरो चला रहे हैं, उसमें जो हम ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो जो भी हमारी इनपुट कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं A2 कॉस्ट। और FL क्या, FL बोलते हैं फैमिली लेबर कॉस्ट, जो हमारी लेबर यूज़ हो रही है, जो हम अपने खुद से, जैसे मेरा खेत है तो मैं जो उसमें मेहनत कर रहा हूँ, तो वो कॉस्ट को जोड़ के जो कॉस्ट बनती है उसको बोलते हैं MSP। लेकिन स्वामीनाथन जी ने जो ये फॉर्मूला दिया था वो दिया था C2+50% FL। ये क्या है, C2 क्या, जितनी भी इनपुट कॉस्ट लग सकती है वो सारी, और जो हमारी फैमिली लेबर है उसके ऊपर भी 50% ज़्यादा अपने को पैसा मिलना चाहिए, ये स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में लिखा गया था। तो अब ये इसको मानने के लिए सरकार रेडी होगी, तब देखा जाएगा। अभी जो आपको याद रखना है वो A2+FL याद रखना है, प्लीज़। ये थोड़ी एक्सेस इन्फॉर्मेशन है तो याद रखिएगा, कभी आप सेकंड पेपर में चाहे तो लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी इज अ टूल फॉर इंक्लूजन नॉट एक्सक्लूजन। बहुत अच्छी बात बोले हैं मोदी जी कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्लूजन का काम करती है, एक्सक्लूजन का नहीं। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्यों न्यूज़ हो गया, फालतू की न्यूज़ थी आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी जो 5G लॉन्च हुआ उसकी बात हो रही है, मिलनी उसी के लिए थी। अभी 4G तो अच्छे से आ नहीं पा रही, 5G आ गया है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एक स्कीम का जिक्र हुआ था, इसलिए मैंने बता दी, स्वामित्व एक स्कीम है। किससे रिलेटेड है स्वामित्व स्कीम, है जो हमारे विलेज में जो एरिया है उसको हम सैटेलाइट की मदद से उसको देख सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, वो स्कीम है स्वामित्व। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इससे क्या होता है, ड्रोन की मदद से या सैटेलाइट की मदद से आप अपना एरिया, अपने गांव को, लैंड को नाप सकते हैं, एग्जैक्ट आपकी कितनी लैंड बनती है। तो एक इसका आप याद रखेंगे, स्वामित्व किससे रिलेटेड स्कीम है वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, या इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा किससे रिलेटेड है। तो ड्रोन की मदद से हम कोई एरिया को विलेज में नाप सकें, उससे रिलेटेड। आगे चलते हैं, चाइल्ड एक्टर, एक ये मर चुके हैं तो रेस्ट इन पीस इनको, एक चाइल्ड एक्टर थे, ये इनकी डेथ हो गई। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक वो फिल्म है जिस फिल्म में, मतलब जो ऑस्कर के लिए गई थी, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, गुजराती फिल्म है चेलो शो, इसके जो यंग एक्टर हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो रेस्ट इन पीस, आपको बस इनका फिल्म का नाम याद रखना है। आगे चलते हैं, रशिया लेवल मेटा टेररिस्ट ग्रुप। मेटा क्या है, आप भैया इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप जो फेसबुक चलाते हैं उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसको मतलब पेरेंट कंपनी है, वो मेटा है। तो भैया रशिया और आप US का तो आपको पता है, तो रशिया ने मेटा को टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया, बस आपको इतना याद होना चाहिए। हाँ, व्हाट्सएप को इसने इलीगल अभी नहीं करा, जबकि व्हाट्सएप का मालिक भी आप देखेंगे तो मेटा ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, इन्फ्लेशन एक्सेलरेट टू 7.45%। तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई अपने देश में बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, तो ये आपका चिंता का विषय है, तो आपको बस ये याद होना चाहिए, न्यूज़ में इसलिए मैं बता देता हूँ। अच्छा, इन्फ्लेशन भी क्या होता है ना, दो तरीके की होती है, चलिए ये भी बता देता हूँ। एक होती है आपकी
जिसको हम बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। एक होती है हमारी कोर इन्फ्लेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है मेनली वो सब कुछ इंक्लूड करती है, जो हम फूड खाते हैं, जो हमारा फ्यूल होता है, जो जितना भी इनपुट कॉस्ट होता है, जो भी सीपीआई के अंदर आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जो जो आता है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन का पार्ट होता है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन के अंदर सब कुछ आता है, बस एक्सक्लूड क्या क्या नहीं आता, एक तो फूड नहीं आता, एक फ्यूल नहीं आता। ये दो चीज़ कोर इन्फ्लेशन में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये वो दो चीज़ें जो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती हैं। इसलिए अगर हमको कोर एकदम एक्चुअल इन्फ्लेशन का अगर पता करना है तो उसके अंदर से हम फूड और फ्यूल को निकाल देते हैं तो हमारी एक्चुअल इन्फ्लेशन निकल जाती है। आगे चलते हैं। तमिलनाडु ने एक नोटिफाई कर दिया है फर्स्ट लैंडर लॉरिस सेंचुरी, तो आपको इसका नाम याद होना चाहिए। इसका जो पूरा नाम है वो है KADUVUR। ये सेंचुरी है, सेंचुरी का नाम है। किसकी सेंचुरी है? तमिलनाडु की। बस आपको इतना याद होना चाहिए, तमिलनाडु एक एरिया है जहाँ फर्स्ट डुगोंग सेंचुरी भी है, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। डुगोंग एक एनिमल होता है, मैमल एनिमल होता है, तो तमिलनाडु ही है उसका आंसर भी। ठीक है, तो दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तो ये लॉरिस सेंचुरी, स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी भी तमिलनाडु में, और डुगोंग की जो पहली सेंचुरी है वो भी तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल इन थंजावुर, बृहदेश्वर टेम्पल। भाई बृहदेश्वर टेम्पल किस रिलेटेड है? शिव भगवान का टेम्पल है, याद रखिएगा। शिव इंपॉर्टेंट लिंग टेम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट लिंग टेम्पल है। और हाँ, नदी, नदी तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नो मोर इंसिडमेंट अंडर 66A ऑफ आईसी एक्ट। तो 66A आईटी एक्ट क्या होता है? 66A आईटी एक्ट होता है कि जो भी हम कमेंट करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, पहले क्या होता था, हम कुछ कमेंट करते थे, किसी को पसंद नहीं आता था, पुलिस हमें अरेस्ट कर लेती थी अंडर 66A ऑफ आईटी एक्ट, पर 3 साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस 66A आईटी एक्ट को इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन अभी भी देखा गया है कि बहुत सारी जो पुलिस है वो अभी भी ये चार्ज लगा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही फटकार लगाई है। बस आपको पता होना चाहिए 66A ऑफ आईटी एक्ट किससे रिलेटेड है। ये जो रिलेटेड है वो यहाँ लिखा भी है, प्रिस्क्राइब 3 ईयर इंप्रिजनमेंट इफ अ सोशल मीडिया मैसेज कॉज्ड एनोयंस और वाज फाउंड ग्रॉसली ऑफेंसिव। लेकिन कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। डे टू एक्सप्लोर बियर नेसेसिटी, फर्स्ट वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे ऑर्गेनाइज किया गया। ये ऑर्गेनाइज किया गया 12 अक्टूबर को, बस आपको इतना याद होना चाहिए 12 अक्टूबर को ये ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो है ये शेड्यूल 1 का पार्ट आता है, स्लॉथ बियर जो है शेड्यूल 1 में आते हैं, जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन इन्वॉल्व आता है इनके ऊपर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। तो आपको एक चीज़ ये याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये वल्नरेबल स्पीसीज में आते हैं, वल्नरेबल आते हैं। ठीक है, आगे चलो। पुतिन सेज रशिया कैन प्रोवाइड गैस वी आर नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 किससे रिलेटेड है? तो रशिया की गैस पाइपलाइन। बस आपको भाई नॉर्ड से आप ये मत समझ लेना कि ये मोबाइल फोन का नाम है, मोबाइल नहीं है, वन प्लस नॉर्ड, ये रशिया की गैस पाइपलाइन का नाम है, बस आपको इतना याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसरो ने अपना नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च किया है SDUMPSVLV, ये NGLV इसको बोलेंगे। NGLV अगले 2-3 साल बाद जो है वो बिल्कुल रिप्लेस कर देगा जो हमारे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, जितने भी हमारे लॉन्च व्हीकल हैं उन सबको रिप्लेस कर देगा। इसके अंदर मतलब हम ऐसे ऐसे प्रोपल्शन यूज़ कर रहे हैं कि 3 स्टेज रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल जिसकी पेलोड कैपेसिटी इतनी होगी, मतलब ऊपर जाएगा और फिर आसानी से नीचे आ जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो बस NGLV आपको बस एक वर्ड याद रखना, इससे ज्यादा डिटेल में भी इसके बारे में नहीं आएगा, जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, पंच समाली शिक चैन इन रिजर्वेशन कैटेगरी। अब ये जो है ये क्या है? ये एक आदमी मतलब एक ही कम्युनिटी का नाम है, बस आपसे सीधे पूछेगा ये कम्युनिटी किससे रिलेटेड है, तो कर्नाटका में ये कम्युनिटी रिलेटेड है। ये ST में आना चाहते हैं, ST से, तो क्या कहते हैं, रिजर्वेशन चाहते हैं ST में, तो हैं तो उससे रिलेटेड है। बस आपको ये वर्ड याद रखना है किससे रिलेटेड है, कर्नाटक की ये कम्युनिटी। बस आगे चलते हैं। सेंटर टू हेल्प पैडल स्ट्रॉ। अब भाई सर्दियाँ आ रही हैं तो ये पैडल तो अब बर्ने जलने जरूरी है, स्टबल बर्निंग हमारी होगी होगी देश में, तो इसको रोकने के लिए बताइए 50 करोड़ की एक स्कीम लेके आ रही है पंजाब गवर्नमेंट। ये स्टबल बर्निंग मैंने क्यों इन्वॉल्व करा, पिछली वाले लेक्चर में मैंने आपको बायोमास पढ़ाया था, तो स्टबल बर्निंग का हम यूज़ बायोमास में कर सकते हैं, क्योंकि 5% जो है वो ब्लेंड करना ही करना है पेट्रोल और डीजल के अंदर, ये सरकार बोलती है। तो बस मैंने ये इसीलिए बता दिया कि आप इसका अगर सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्टबल बर्निंग का यूज़ एज अ बायोमास कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ग्लोबल 100 इंडेक्स बताइए, तो बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। ग्लोबल 100 इंडेक्स में इंडिया की रैंक 107 आई है 121 में से। अब भाई ये तो बहुत ही गलत पार्शियल करा है, क्योंकि इंडिया को इन्होंने श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी नीचे रख दिया। बताइए ऐसे कैसे हो सकता है?
कौन निकालता है? तो एक यूरोपियन एनजीओ है, कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल्थन वाइफ, ये निकालते हैं। पहला तो एक क्वेश्चन आपका आंसर यही बनेगा। दूसरा इंडिया 107 रैंक है, एक ये बन जाएगा। ये जो ग्लोबल इंडेक्स है चार चीज़ें काउंट देखती है। चार चीज़ें कौन कौन सी याद रखिएगा, कौन कौन सी हैं? एक तो है हमारी अंडर नरिशमेंट, एक है हमारी चाइल्ड स्टंट, कितना चाइल्ड छोटा रह जाता है, एक है हमारी चाइल्ड वेस्टिंग और एक है हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन चार चीज़ों को ये कवर करती। हम जो हैं इसके अकॉर्डिंग इन चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग में एकदम बिलो आए हैं। हम जो इम्प्रूव हुए हैं वो हम एक तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में और चाइल्ड इसमें क्या कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी में हम इम्प्रूव हो चुके हैं, लेकिन चाइल्ड स्टंटिंग और अंडर नरिशमेंट में हम इम्प्रूव नहीं हुए हैं। एकदम वाहियात रिपोर्ट है, गलत रिपोर्ट है, इसको हम नहीं मानते, ना ही इंडियन गवर्नमेंट मानती है कि हम इतना नीचे तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अब ये एग्जाम में पूछा जाएगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी स्कीम इंडियन गवर्नमेंट चलाती रहती है ताकि हंगर को, भुखमरी को खत्म कर सके। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया, पोषण अभियान, मातृवंदना योजना, फूड फोर्टिफिकेशन, इंद्रधनुष। तो आप वीडियो पॉज करके ये पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। एकदम गलत न्यूज़ है वैसे तो, मैं भी नहीं मानता, गवर्नमेंट भी नहीं मानती है। इतना नीचे बताए पाकिस्तान से नीचे कैसे हो सकते हैं भाई? पाकिस्तान में ज़्यादा भुखमरी है कि इंडिया में ज़्यादा भुखमरी? लेकिन अब ये बोल रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं आप? इसको एज अ सेकंड पेपर में इसको एज अ डेटा की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर नेगेटिव शो करना है, और पॉजिटिव शो करना है तो इसको यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सारी न्यूज़ इस वीक की कवर हो चुकी हैं, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने कोशिश करी है सारी न्यूज़ ख़त्म कर दूँ। और कैसा लग रहा है लेक्चर आप मेरे को बता सकते हैं, और जिन बच्चों ने नहीं सब्सक्राइब कराया हुआ है कर लो, तो अपना भी थोड़ा चैनल का ग्रोथ हो जाएगा। और कैसा लग रहा है लेक्चर यार? मेन चीज़ तो यही है, अब आप मेरे को बताते नहीं है तो मेरे को कैसे पता चलेगा, ठीक है। और जो मैंने कमेंट सेक्शन में सब बच्चे आंसर देंगे जो भी मैंने आज दो क्वेश्चन पूछे आपसे, और इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। 2023 में सब मेरे कोशिश करूँगा कि सबका कम से कम करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।